अगले आदेश तक नीट यूजी की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, 6 जुलाई यानी आज से ही नीट यूजी की काउंसलिंग होनी थी। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा बीजेपी को अयोध्या की तरह गुजरात में हराएंगे, बिना डरे बीजेपी से लड़ना है, गुजरात में जीतेगी कांग्रेस। नेता विपक्ष बनने के बाद आज पहली बार पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में राहुल गांधी, राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी, मोरबी हादसा और तक्षशिला अग्निकांड के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर सियासत हुई तेज, लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के बयान के विरोध में अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, राहुल के खिलाफ नारे लगाए। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस का जोश हाई है, कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा संविधान की प्रयोगशाला बनेगा गुजरात, अगले चुनावों में 117 सीटें जीतने की होगी कोशिश। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक्शन में राहुल, हाथरस और गुजरात के बाद सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल, हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस को मिली है जीत। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया, 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर कार्यक्रम को किया संबोधित। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा आज जाएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर होगा मंथन। 8 से 10 जुलाई तक रूस ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा, विदेश सचिव विनय पात्रा ने दी है जानकारी। यूपी के मुरादाबाद में आर्य समाज के लोगों के खिलाफ हाथरस घटना को लेकर गुस्सा, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर कथित बाबा और सेवादारों पर कार्रवाई की मांग की, सत्संग के दौरान हाथरस में हुई 121 मौत। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, कहा घटना से बहुत दुखी हूं, शासन प्रशासन पर बनाए रखे भरोसा, हाथरस कांड के उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मामले में बिहार के पटना में भोले बाबा पर केस हुआ दर्ज, पटना के सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया मुकदमा, भगदड़ में 130 लोगों की गई है जान, पटना के भी कई लोग शामिल हुए। हाथरस हादसे के बाद एक्शन जारी, जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हाथरस, 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग जांच कर रहा है, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य। मामले की जांच कर रही है एसआईटी सरकार को सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट, एसआईटी प्रमुख एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा अधिक साक्ष्य सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। बाबा के काफिले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 2 जुलाई को हाथरस हादसे के बाद महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया था बाबा, काफिले में थी 12 गाड़ी। मैनपुरी के रामकुटीर आश्रम में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के होने का दावा, कुछ लोगों ने किया है दावा, आश्रम में मौजूद सूरजपाल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हाथरस हादसे में एक मृतक के परिवार ने एबीपी न्यूज खास बातचीत में बाबा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बाबा के खिलाफ बोलने से लगता है डर, कोई भी हादसा करा सकता है बाबा। बाबा के सत्संग को लेकर हो रहे हैं लगातार खुलासे, 1.5 महीने पहले मैनपुरी में हुए सत्संग से 65 साल के महावीर सिंह लापता, पुलिस ने दर्ज कर रखा है गुमशुदगी का केस। कानपुर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर सेवादारों से पुलिस ने पूछताछ की, बिधनू करसुई गांव में आश्रम है, 2 दिन से बंद पड़े आश्रम का पुलिस ने किसी तरह खुलवाया ताला। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के कानपुर में बने आश्रम में है सारी व्यवस्थाएं, 5-स्टार होटल जैसा हॉल बनाया हुआ वहां पर है, हॉल के अंदर बने कमरों में चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पाखंड के केस में भोले बाबा को जेल भेजने वाले तेजवीर सिंह ने कहा एसएचओ रहने के दौरान मिली थी जानकारी, कोई बाबा मृत लड़की को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, उस समय किया था गिरफ्तार। हाथरस कार्यक्रम के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में किया सरेंडर, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, आज हाथरस कोर्ट में पेश। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा हमने देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा, अब यूपी एसटीएफ पूरी करे अपनी जांच, नहीं लगाएंगे जमानत याचिका। 2 जुलाई को मची भगदड़ में 123 लोगों की जान गई है, सेवादार मधुकर मुख्य आरोपी है, एफआईआर में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। हाथरस भगदड़ मामले पर सीएम योगी बनाए हुए हैं नजर, सूत्रों के मुताबिक हाथरस और मैनपुरी के कुछ नेता हो सकते हैं गिरफ्तार, करीब 50 नेताओं पर है पुलिस की निगाह।
जम्मू के कठुआ में एक कार नहर में गिरी। कार में अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए तैनात 3 बीएसएफ के जवान सवार थे। 2 बीएसएफ जवानों को फौरन बचा लिया गया। पानी में बहे तीसरे जवान की हालत गंभीर। बारिश की वजह से आसमान पर हरी सब्जियों के दाम, एक हफ्ते में सब्जियों की कीमतों में दोगुने तक का उछाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 के करीब पहुंचा टमाटर, 50 के पार प्याज। टोंक जिला प्रशासन की अपील के बाद भी बेपरवाह बने हुए हैं लोग। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक ले जाना पड़ा भारी। देखते ही देखते पानी में डूबा पूरा ट्रक, ट्रक ड्राइवर और साथी ने तैरकर जान बचाई। राजस्थान के टोंक जिले के कई गांवों में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां टोंक में रद्द की गई हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है तैनात। टोंक में भारी बारिश के बाद आसपास के घरों और स्कूलों में घुसा पानी। घर में कैद रहने को लोग मजबूर हैं। कई जगहों पर मकानों के ढहने की खबर भी सामने आई। जम्मू कश्मीर और आसपास भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा का असर। यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोका गया। मौसम को देखते हुए एहतियातन फैसला लिया। भारी बारिश के बाद मलबा आने से ऋषिकेश और बद्रीनाथ जाने वाले कई रास्ते बाधित हैं। 3 स्टेट हाईवे और 30 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत। मौसम को देखते हुए रामबन में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने लगाई रोक। बिहार के कैमूर में बदतर हुए हालात। तेज बरसात से पानी पानी हुआ पूरा अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर समेत मरीजों के वार्ड में भरा पानी। गंदा पानी भरने से मरीजों को दिक्कत। बिहार में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से उफान पर प्रदेश की नदियां। गंडक नदी और कोसी नदी का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। पटना के आसपास के क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते दिखे। बिहार के हाजीपुर में 3 दिन से हो रही झमाझम बारिश से पानी पानी हुआ पूरा शहर। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसा पानी। शहर की सड़कें जलमग्न। चिराग पासवान ने बताया पूरे प्रदेश की समस्या। बिहार के मसौढ़ी में बारिश के बाद डोरी पर गांव से गोविंद चक जाने वाले रास्ते का एक हिस्सा धंसा। सड़क के बीचों बीच बनी पुलिया भी ध्वस्त होने की कगार पर। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी। जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। 3 और 4 जुलाई के बीच गोपालगंज सिवान सारण के 6 पुल धराशायी हुए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा पुल गिर रहे हैं, अपराध मर्डर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार चुप है। अगर इन सभी में मेरा हाथ होता तो गिरफ्तार करे फिर सरकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जदयू के पास था। गिरने वाले पुलों की डिटेल निकलवा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने ली पुल टूटने की जिम्मेदारी। कहा हम अभी सरकार में है, लेनी चाहिए जिम्मेदारी। देश में आज मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, सिक्किम में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की जताई संभावना। तेज बारिश की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी। डीएम ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में तेज बरसात के बाद आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भरा। प्रशासन मुस्तैद। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से जोखिम में जान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर गाड़ियों से नदी पार करते दिखे। उत्तरकाशी के गौमुख पैदल मार्ग पर पुल टूटने से फंसे कांवड़िए। एसडीआरएफ की टीम ने सभी कांवड़ियों को सुरक्षित बचा लिया। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। बरपेटा जिला भीषण बारिश की मार झेल रहा है। प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को राहत सामग्री बांटी। करीब 2 लाख लोग हैं प्रभावित। मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों से बातचीत की। सीएम ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बाढ़ से मची तबाही को लेकर कहा यह प्राकृतिक आपदा है, हमें इतनी भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी, भविष्य के लिए हम स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं।